तो देखो, आदिपुरुष फिल्म के रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आदिपुरुष फिल्म डेफिनेटली ओपनिंग तो बहुत बड़ी लेने वाली है। तो देखो, मैं इस वीडियो में आपके साथ कलेक्शन तो डिस्कस करूंगा ही, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो भी फिगर्स आ रहे हैं उसके पीछे एक्चुअल रियलिटी क्या है। और उस वीडियो में मैंने तीन इंपॉर्टेंट रीजन दिए थे, जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन ये था कि इस फिल्म का जो सोर्स मटेरियल है वो रामायण का है। तो रामायण के नाम पे अगर कोई भी फिल्म बनती है तो ऐसे में उस फिल्म का हाइप होना काफी ज्यादा ऑब्वियस है। सेकंडली, जो इस फिल्म की स्टारकास्ट थी, हम सभी को पता है कि फिल्म मल्टी स्टारर है, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फिल्म में प्रभास है। और बाहुबली के बाद जब भी कोई प्रभास की फिल्म आती है उनकी फिल्म का हाइप बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इस फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी हद से ज्यादा हो गई है। और जैसे ही कहा जाता है कि बदनामी में भी नाम है, वही एग्जैक्टली आदिपुरुष फिल्म के साथ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने रामायण के सब्जेक्ट को और उसकी कहानी को इतना ज्यादा चेंज कर दिया है, इतनी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टीज ले ली गई है। तो एक चीज कंफर्म है कि जैसी फिल्म रिलीज होगी लोग एक्चुअली में देखने जाएंगे कि मेकर ने कितना बड़ा वाला कारनामा किया है। और अब फाइनली, क्योंकि आदिपुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो हम सभी को पता है कि इस फिल्म को बहुत मेजर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी जब अपने चैनल पे रिव्यू किया था तो मैंने एक चीज बहुत क्लियरली स्टेट की थी कि जैसे ही दिन प्रोसीड करेगा और लोग इस फिल्म के शोज और देखते जाएंगे, इस फिल्म का जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो हद से ज्यादा होने वाला है। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये फिल्म लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को भी हर्ट करे। पर फिर भी कोई भी ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि क्योंकि इस फिल्म को लोग बहुत लार्ज नंबर्स में देखने गए हैं, इस वजह से इस फिल्म का जो वीकेंड टोटल आया है वो काफी अच्छा आया। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं यानी ओपनिंग डे की, उस दिन इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में कमाए थे 37.25 करोड़। सैटरडे को कलेक्शन ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ गया क्योंकि कहीं ना कहीं वीकेंड शुरू हो जाता है, और वहीं सैटरडे का कलेक्शन हुआ 38 करोड़ का। और वहीं संडे, तुम सभी जानते हैं, पूरे इंडिया की छुट्टी होती है, और इस वजह से संडे का जो फिगर आया है वो आया है 38.25 करोड़ का। तो इसी के साथ इस फिल्म का जो वीकेंड टोटल हो चुका है तीन दिन का, वो हो चुका है 113.50 करोड़। तो अगर मैं इसको एज अ स्टैंड अलोन फिल्म देखूं या इन जनरली भी देखूं तो मैं कहूंगा इस फिल्म ने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है। जी हाँ, जितनी भी मैक्सिमम बॉलीवुड फिल्में हैं उनका वीकेंड कलेक्शन इस फिल्म से कम है। अगर मैं भोला की बात करूं तो उसका जो वीकेंड हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ का हुआ था। वहीं किसी का भाई किसी की जान का जो वीकेंड टोटल था वो था अराउंड 68 करोड़ का। और फाइनली थर्ड पे आती है तू झूठी मैं मक्कार, जिसका जो वीकेंड टोटल हुआ था वो था 70 करोड़ का। तो अगेन, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म ने परफॉर्म तो बहुत ज्यादा अच्छा किया है, पर फिर भी ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इनफैक्ट बहुत जगह तो ये भी डिमांड करी जा रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। ऑल्दो इस फिल्म में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से बात करूंगा। बट स्ट्रिक्टली अगर मैं बॉक्स ऑफिस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यू माइट बी वंडरिंग कि अगर आदिपुरुष फिल्म सेकंड नंबर पे है तो इससे ऊपर कौन सी है। तो आपको बता दूं, नंबर वन पे आती है शाहरुख खान की फिल्म पठान, क्योंकि उस फिल्म के जो वीकेंड के नंबर्स थे वो बिल्कुल अर्थ शैटरिंग थे। इनफैक्ट इतने बेहतरीन नंबर्स उस फिल्म ने किए थे कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में भी बहुत कम फिल्में ही वहां तक पहुंच पाएंगी। पठान का जो फर्स्ट डे हुआ था, ये मैं सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ, वो हुआ था 55 करोड़ का। फिर सेकंड डे, हम सभी जानते हैं 26 जनवरी की छुट्टी थी और सेकंड डे सिर्फ हिंदी बेल्ट में उसने 68 करोड़ कमाए थे। उसके बाद जो थर्ड डे था वो बेसिकली फ्राइडे था यानी वर्किंग डे था, उसके बावजूद भी उसने 38 करोड़ कमाए थे। तो ऐसे में मैं पठान के वीकेंड टोटल की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली पठान का जो वीकेंड था वो एक्सटेंडेड वीकेंड था, उसको 5 दिन का फायदा मिला था। लेकिन अगर मैं पठान के बीच सिर्फ फर्स्ट 3 डेज की बात करूं तो उसके बाद जो उसका टोटल हुआ था वो हुआ था 161 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं तकरीबन आदिपुरुष से वो 40-45 करोड़ से ज्यादा था। और ये बात पता है इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आदिपुरुष का सब्जेक्ट हम सब जानते हैं रामायण का था। तो क्योंकि रामायण का सब्जेक्ट होते हुए भी फिल्म इतनी ज्यादा पुअर बनाई गई थी, इस वजह से सिर्फ 113.50 करोड़ के कलेक्शन हुए। क्योंकि पठान जो एक फिक्शनल कैरेक्टर की कहानी थी, अगर वो 161 करोड़ कमा सकती है सिर्फ 3 दिन में, तो ऐसे में अगर आदिपुरुष फिल्म भी रामायण का एक फेथफुल अडेप्टेशन होती, या फिर फ्यूचर में भी अगर कोई केपेबल राजा मौली जैसा डायरेक्टर रामायण का एक फेथफुल अडेप्टेशन बनाएंगे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो वीकेंड के नंबर्स हों वो 200-250 करोड़ हों। अब अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है, अगेन बिकॉज ऑफ द हाई। फर्स्ट डे का जो उसका कलेक्शन था वो था 140 करोड़, ये मैं इंडिया और ओवरसीज के ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की। फिर सेकंड डे ऑल्दो वीकेंड था बट कहीं ना कहीं फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव था, इस वजह से सेकंड डे का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ वो हुआ 100 करोड़ का। एंड सिमिलरली संडे का भी जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ है वो हुआ है 100 करोड़ का। तो अगेन तीन दिन का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो हुआ है 340 करोड़। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट यानी रियलिटी चेक। ये जो भी मैंने आपको फिगर्स कोट किए हैं 340 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के, ये फिगर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से आए हैं। और प्रोड्यूसर्स के बारे में एक बात फेमस कही जाती है कि जो भी फिल्म कमाती है उससे थोड़े बहुत फिगर्स इन्फ्लेट करके बताए जाते हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई फिल्म 10 करोड़ कमाती है तो उसको 12 करोड़ बताया जाता है, अगर कोई फिल्म 50 करोड़ कमाती है तो उसको 55 या फिर 56 करोड़ बताया जाता है। और एग्जैक्टली इसी रीजन से ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आदिपुरुष के साथ जो फिगर्स इन्फ्लेट किए गए हैं वो हद से ज्यादा है। 340 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अगर प्रोड्यूसर्स ने दिया है तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिल्म ने 320 करोड़ या फिर 325 करोड़ कमाए हैं। लेकिन आपको बता दूं, जितनी भी रिलायबल ट्रेड वेबसाइट्स
है। उन्होंने कंफर्म किया है कि 3 दिन के वीकेंड में इसने सिर्फ 302 करोड़ कमाए हैं। और वहीं अगर मैं सबसे रिलायबल वाली बॉक्स ऑफिस वेबसाइट की बात करूं तो उसने तो यहां तक कहा है कि इस फिल्म ने सिर्फ 275 करोड़ कमाए हैं। और ऐसे में हम समझ ही सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने फिगर्स कितने ज्यादा इन्फ्लेट किए हैं, क्योंकि अगर इस फिल्म ने वाकई 275 करोड़ कमाए हैं और प्रोड्यूसर ने 340 करोड़ कमाए तो दोनों में तकरीबन 65 करोड़ का डिफरेंस है। और ये भी अभी मैं फर्स्ट वीकेंड की बात कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फिल्म का जो रियल टेस्ट शुरू होता है वो मंडे से होता है, क्योंकि अगर किसी भी फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पॉजिटिव होता है तो अपने वीकेंड के बाद भी वो फिल्म सस्टेन कर पाती है। पठान भी इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल थी, क्योंकि अपने फर्स्ट मंडे यानी अपने 6th डे को भी उसने 25 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। लेकिन वहीं अगर मैं आदि पुरुष की बात करूं तो हम सभी को बताया कि आदि पुरुष का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बिल्कुल डिजास्ट्रस है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग अभी भी ये फिल्म देखने जा रहे हैं लेकिन रामायण के पर्सपेक्टिव से नहीं, बहुत लोग ये देखने जा रहे हैं कि फिल्म में कितनी ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई है और डायलॉग्स कितने ज्यादा क्रिंज है। और इसी वजह से यहां मैं बता दूं कि मंडे की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी पुअर है और जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी जा रही है वो भी काफी कम जा रही है। ऑल्दो यहां मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि फिल्म मंडे को बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है, ये 2-3-4 करोड़ कमाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इनकेस अगर इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता तो ये मंडे को भी अच्छा सस्टेन करती, इनफैक्ट काफी आउट परफॉर्म करती, बट क्योंकि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत बुरा है इस वजह से आज ये फिल्म गिर चुकी है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म आगे चल के कितना सस्टेन कर पाती है। बाकी इस वीडियो में मैंने आदि पुरुष का रिव्यू दिया है तो वो भी प्लीज चेकआउट करेगा। बाकी आप प्लीज बताइएगा कि आपको आदि पुरुष कैसी लगी और आपको क्या लगता है लाइफ टाइम कलेक्शन में कितना कर सकती है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।